आज हम तमन्ना भाटिया की लाइफ स्टोरी के साथ ही इनकी वो असली और काली सच्चाई के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इस हिसाब से आज तमन्ना 33 साल की हो गई हैं। वैसे तमन्ना का असली नाम तमन्ना भाटिया है, लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह पर इन्होंने अपना नाम तमन्ना की स्पेलिंग बदल कर तमन्ना कर दिया है और आज ये तमन्ना भाटिया के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन इनके फ्रेंड्स इन्हें प्यार से तमो और मिल्क ब्यूटी बुलाते हैं। इनके पिता का नाम संतोष भाटिया है, जो कि एक डायमंड मर्चेंट है, जबकि इनकी माँ रजनी भाटिया, जो कि एक हाउस वाइफ है। इनका एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम आनंद भाटिया है और ये भी एक हीरो के व्यापारी हैं। आपको ये भी बता दूं कि तमन्ना ने अपनी स्कूलिंग शिक्षा मानिक जी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल मुंबई से पूरी की है। इसके बाद इन्होंने नेशनल कॉलेज मुंबई से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। अपने स्कूल के दिनों में तमन्ना ने एक बार स्कूल के एनुअल डे पर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इन्हें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की जमकर वाहवाही मिली थी और यही वो समय था जब तमन्ना ने एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था। बाद में तमन्ना ने अपने इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए मुंबई के पृथ्वी थिएटर को ज्वाइन कर लिया और लगभग एक साल तक इन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। तमन्ना को सबसे पहला ब्रेक 2005 में अभिजीत सावंत के वीडियो एल्बम के एक सॉन्ग लफ्जों में मिला। ये गाना उस समय जबरदस्त हिट हुआ था। इसके बाद साल 2005 में तमन्ना भाटिया को अपनी पहली फिल्म मिली। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो तमन्ना भाटिया तमिल और तेलुगु फिल्म की हीरोइन है, लेकिन इन्होंने डेब्यू बॉलीवुड फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से की थी। तमन्ना इस फिल्म में लीड हीरोइन थी, लेकिन बावजूद इसके इनकी फिल्म बुरी तरह से पीट गई। इसके बाद तमन्ना तेलुगु फिल्म श्री में नजर आए, जिसमें तमन्ना को मनोज मंचू के अपोजिट कास्ट किया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इसके बाद तमन्ना ने साल 2006 में रवि कृष्णा की मूवी केडी में काम किया और ये फिल्म देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी और इस तरह से तमन्ना भाटिया को अपने करियर में पहली सफलता मिली। इसके बाद तमन्ना ने साल 2009 में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें इनकी ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थी। इसके बाद इन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म कालिदासु, धनुष की फिल्म पडिक्कर डवन, जिसे हिंदी में मेरी ताकत मेरा फैसला नाम से डब किया गया था, और सिद्धार्थ की फिल्म कौंचम कास्तम में नजर आई। आपको बता दें कि सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार साबित हुई। इन फिल्मों से तमन्ना भाटिया को अच्छी खासी प्रसिद्धि मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी इन्हें वो मुकाम नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। तमन्ना भाटिया को साल 2009 में सूर्या के फिल्म आर्यन में देखा गया। फिल्म को हिंदी में डब करके विध्वंसक नाम से बनाया गया और यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। साथ ही यह फिल्म उस साल की तमिल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई। यहां हम कह सकते हैं कि यह फिल्म थी जिसके बाद तमन्ना भाटिया ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह फिल्म इनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद तमन्ना को बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और कई बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तमन्ना भाटिया की गिनती साउथ की टॉप एक्ट्रेस में होने लगी। साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के बाद तमन्ना अब बॉलीवुड फिल्मों की तरफ रुख की और इन्होंने एक के बाद एक तीन फिल्मों को साइन किया। आपको बता दें कि इनकी तीनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, यानी कि बॉलीवुड में तमन्ना का कमबैक कुछ खास कमाल नहीं कर सका, जबकि साउथ में इनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। इसी बीच छैला, अजीत कुमार के साथ वीरम और महेश बाबू के साथ तमन्ना भाटिया की फिल्म अगाड़ू रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की और इन फिल्मों ने तमन्ना भाटिया के सक्सेस का रेशियो बनाए रखा। फिर दौर आया साल 2015 का, जब तमन्ना की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली रिलीज हुई और ये बात तो आप सभी जानते ही हो कि इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा की माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म की वजह से तमन्ना भाटिया का स्टारडम सातवें आसमान पर पहुंच गया। वैसे इनकी अपकमिंग फिल्म की बात की जाए तो इनकी अपकमिंग तमिल फिल्म है कांटू कुरुप्पू
बॉलीवुड फिल्म बोले चूड़ियां और मलयालम फिल्म बांद्रा में नजर आने वाली है। आज के समय में तमन्ना भाटिया के जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इनकी तमाम तेलुगु तमिल मलयालम फिल्मों को हिंदी में डब किया जाता है। वैसे फैन फॉलोइंग्स को देखते हुए इनके पास काफी ब्रांड एंडोर्समेंट भी हैं। तमन्ना ने प्रिंट सूट मॉडलिंग रैंप वॉक के साथ साथ एड कैंपेन में भी काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले तमन्ना ने सख्ती मसाला पाउडर सूप और सन डायरेक्ट जैसे तमिल एड में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा विराट कोहली के साथ सेलकोन मोबाइल का एड शूट के लिए भी काम किया है। इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो अब तक तमन्ना भाटिया को 26 नॉमिनेशन और 23 अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन्होंने 65 से भी अधिक फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग की छाप छोड़ी है। आज इनकी गिनती 100 के टॉप एक्ट्रेस में की जाती है। तमन्ना आज एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए वो मोटी फीस वसूलती हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ज्वेलरी डिजाइन में तमन्ना को महारत हासिल है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाटिया के पिता एक डायमंड मर्चेंट है, इसलिए परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए आज तमन्ना का खुद का एक ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर है। इनके ब्रांड का नाम है व्हाइट एंड गोल्ड। इसकी शुरुआत इन्होंने साल 2015 में ही की थी। इसके अलावा मुंबई के वर्सोवा इलाके में तमन्ना का एक अपार्टमेंट भी है, जिसको तमन्ना ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। तमन्ना के पास लग्जरी गाड़ियों का भी एक शानदार कलेक्शन है। तमन्ना भाटिया 17 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और इनके नेटवर्क की बात की जाए तो आज करीब 120 करोड़ रुपए है। इतनी संपत्ति की मालकिन है। दोस्तों, तमन्ना भाटिया का नाम कंट्रोवर्सीज के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसमें तमिल डायरेक्टर सूरत के संग तमन्ना की कंट्रोवर्सी काफी चर्चा में रही। साल 2016 की बात है, जब तमिल डायरेक्टर सूरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग हीरोइनों को साड़ी पहने अवतार में देखने के बजाय छोटे कपड़ों में देखना पसंद करते हैं। यदि मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरी हीरोइन को पूरे कपड़े पहना कर लाएगा तो मैं तुरंत मना कर दूंगा और कपड़ों को कम करने की बात कहूंगा, भले हीरोइन इसके साथ अच्छा महसूस करे या नहीं। दोस्तों, समय सूरज के इस बयान पर तमन्ना भाटिया ने अपना सख्त एतराज जताया था। तमन्ना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी आलोचना करते हुए लिखा था कि मैं डायरेक्टर सूरत की टिप्पणी से काफी आहत और क्रोधित हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह ना केवल मुझसे बल्कि इंडस्ट्री की हर महिला से माफी मांगे। उस समय तमन्ना के इस बयान के बाद सूरज ने अपनी टिप्पणी पर तमन्ना और इंडस्ट्री के सभी हीरोइनों से माफी मांगी थी। दोस्तों, तमन्ना का नाम मीटू विवाद से भी जुड़ा हुआ है। साल 2018 में आलोक नाथ, नाना पाटेकर, साजिद खान जो बहुत बड़ा चमड़ी डायरेक्टर है, इसके अलावा अनु मलिक जैसे कई कलाकारों पर मीटू मूवमेंट के तहत सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा था। उस समय साजिद खान पर कई लड़कियों के बदसलूकी का गलत ढंग से छूने का आरोप लगा था। इस पर तमन्ना ने साजिद खान का सपोर्ट करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने साजिद के साथ 2 फिल्मों में काम किया है और दुर्भाग्य से वो दोनों फिल्में अच्छी नहीं चली। साजिद ने मुझे कभी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया। उनके साथ काम करते समय मैंने काफी कंफर्ट फील किया। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद खान बहुत बड़ा चमड़ी डायरेक्टर है, इसके बारे में तो शायद आप जानते भी होंगे। और एक वक्त था जब तमन्ना और साजिद के अफेयर की काफी चर्चा थी, और जब इस बात को लेकर तमन्ना से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि साजिद उनके भाई की तरह हैं और वो उन्हें राखी बांधती हैं। वेल, आपको बता दें कि तमन्ना साजिद के साथ हमशक्ल और हिम्मत वाला फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा तमन्ना भाटिया और विराट कोहली के अफेयर की खबरें एक समय खूब चर्चा में थी। दरअसल तमन्ना और विराट की पहली मुलाकात साल 2012 में एक एड शूट के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे थे। वैसे खबरों की माने तो दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट भी किया था, मगर कुछ समय के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इसकी वजह थी विराट की ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल लेइट संग बढ़ती नजदीकियां। वैसे इस ब्राजीलियन मॉडल को विराट कोहली ने काफी समय तक डेट किया। विराट के बाद इसी मॉडल को साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा ने भी डेट किया है। खैर, वैसे विराट के अलावा तमन्ना का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ भी जुड़ा। इनके अफेयर के चर्चे की शुरुआत 2017 में हुई और जब इन दोनों को एक साथ ज्वेलरी शॉप पर देखा गया तो खबरें ये उड़ी थी कि दोनों प्यार में हैं और शादी करना चाहते हैं। इसके बाद तमन्ना का नाम एक US बेस्ड
डॉक्टर के साथ भी जुड़ गया। वैसे दोस्तों अभी बात करें तो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रिलेशनशिप कुछ समय से बहुत सुर्खियों में है। दोनों हाल ही में लव स्टोरीज 2 में नजर आए थे। फिल्म में दोनों के बीच काफी बोल्ड सीन्स हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन हाल ही में विजय वर्मा ने अपने और तमन्ना के रिलेशनशिप को कन्फर्मेशन दे दिया है। वहीं तमन्ना भाटिया ने भी विजय वर्मा के संग अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात रखी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। अब ये जोड़ी साथ फेरी लेकर कब शादी के बंधन में बंधेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर विजय वर्मा के अलावा कोई और भी इनकी जिंदगी में आएगा। वैसे तमन्ना भाटिया के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और तमन्ना भाटिया की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।